जय हिंद दोस्तों। दोस्तों वीवो ने लॉन्च कर दिया है अपना V21 सीरीज और यहां पर V21 के अंदर आपको 4G और 5G दोनों ही सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V21e 5G फोन के बारे में। तो बताऊंगा मैं आपको क्या है अमेजिंग फीचर्स, क्या है खास स्पेसिफिकेशंस, इंडियन मार्केट में कितने का मिलेगा, इंडियन मार्केट में अवेलेबिलिटी कब से होगी, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर अप करने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ आखिरी तक, क्योंकि मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक क्लब ऑन यूट्यूब। चैनल को लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये है आपके सामने वीवो का V21e 5G फोन और यहाँ पर आपको जो स्क्रीन साइज मिल जाता है 6.44 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दमदार MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ में बात करें इंटरनल स्टोरेज और रैम की, तो यहाँ पे 8GB प्लस 3GB वर्चुअल रैम के साथ में आपको 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। इसके अंदर आपको माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। बात करें यहाँ पे कैमरे सेटअप की दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर बताया जा रहा है, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर बताया जा रहा है। हाल फिलहाल ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि इसके अंदर क्वाड कैमरा मिलेगा या आपको 3 ट्रिपल रेयर कैमरे वाला सेटअप मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का मिलेगा। बात करें यहाँ पे दोस्तों बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल सकती है। साथ में आपको यहाँ पे 44 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। इस फोन के अंदर आपको 2 से 3 कलर ऑप्शंस मिलेंगे और साथ में यहाँ पर आपको सुपर नाइट सेल्फी फीचर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि डार्क फोटोज को भी आप एकदम ब्राइटनेस में कह सकते हैं रात के वक्त। बात कर लें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल सकता है विद फन टच OS 11.1 बेस्ड सिस्टम। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल सकता है। बाकी फ़ोन को लॉक अनलॉक करने के लिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आपको इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर मिलता है या साइड माउंटेड फिंगर स्कैनर मिलता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी की। तो दोस्तों ये था आपके सामने V21e 5G फोन के बारे में सारी स्पेसिफिकेशंस। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो देखो यार, प्राइस तो इसकी 26,000 से 31,000 से 32,000 के बीच में हो सकती है। और यहाँ पर अभी ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि इंडिया में V21e 4G के साथ आने वाला है या 5G के साथ आने वाला है, लेकिन इंडिया में ट्रेंड 5G का है तो हो सकता है ये डेफिनेटली 5G के साथ में ही आए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी की दोस्तों, तो हाल फिलहाल ये जो फ़ोन है दोस्तों वो सिर्फ अभी मलेशिया में ही लॉन्च किया गया है। इंडियन मार्केट में कब से अवेलेबल होगा उसकी कोई अभी डेट की क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। और रही बात स्पेसिफिकेशंस की दोस्तों, तो अभी ये जो स्पेसिफिकेशंस है वो अभी रफली आइडिया ही है, यानी कि लीक स्पेसिफिकेशंस है। हो सकता है कि कुछ कस्टमाइजेशन होकर आपको ये स्पेसिफिकेशन के साथ में ये फ़ोन मिल जाए, क्योंकि आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। और इंडियन मार्केट में कब से अवेलेबल होगा ये भी हमें आने वाले टाइम पे पता चलेगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है ये 21 के अंदर यानी कि 2021 के मिड में ये जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा। सो गाइस, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको स्पेसिफिकेशंस भी अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं सब्सक्राइब बटन के साथ में, ताकि इसी तरीके के वीडियोस और अपडेट्स मैं आप लोगों को लाता रहूं और आपको हमेशा अपडेट करता रहूं। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक क्लब, टेक केयर, वंदे मातरम।